बाइक स्टार्ट करने के बाद जब मैंने इंजन की आवाज़ सुना तो मुझे बहुत ही बेकार लगा और मैंने कस्टमर से बोल दिया, यार ये तो पिस्टन की आवाज़ आ रही है, आप खुद भी देख सकते हैं। पिस्टन इतना ज़्यादा घिस गया है कि ये पिस्टन सिलेंडर से टकराता है, इसके साथ ही क्रैंक में भी टकराता है और ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। और दोस्तों, ये कुछ दिन पहले दूसरे मैकेनिक के पास गया था तो उसने इनसे कहा कि देखो, अगर आपकी बाइक धुआं मारने लगेगी तभी आप इंजन खुलवाना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धुआं मारता है तभी आपको इंजन खोलना चाहिए या फिर इंजन आवाज़ करने लगे तभी आपको खोलना चाहिए। देखिए, कुछ देर के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि यार धुआं नहीं मार रहा तो फिर पिस्टन आवाज़ क्यों करेगा, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। तो देखिए, आपको बता दे रहे हैं पिस्टन यहाँ पर घिसा हुआ है, कटा हुआ है, और ये क्यों घिसा क्यों कटा आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये दोस्तों तभी कटता है जब हमारी बाइक के इंजन में ऑयल की कमी होती है, और ऑयल की कमी कहाँ से होगी आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पिस्टन रिंग कट जाता है घिस जाता है तभी ऑयल की कमी होती है, और ऑयल की कमी जब भी आ जाएगी तो पिस्टन सीज हो जाता है, कट जाता है, और यही पिस्टन फिर सिलेंडर से आवाज़ करने लगती है। तो इस जगह पर मैकेनिक को समझना चाहिए कि पिस्टन अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये बाइक वाइट स्मोक दे रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेंडर के द्वारा वाइट स्मोक देने लगे, धुआं मारने लगे तभी हम इंजन खोलेंगे, नहीं। अगर पिस्टन आवाज़ कर रहा है तो आपको इंजन खोलना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका इंजन खोला, क्योंकि पिस्टन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, और जब मैंने खोल कर देखा तो पता चला इसका पिस्टन यहाँ पर दाग आ गया, स्क्रेच आ गया है, और यहाँ पर रिंग इसका ख़राब है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ है। ये आखिर डस्ट क्यों है? दोस्तों, ये डस्ट इंजन ऑयल का होता है। जब भी रिंग ख़राब होता है तो ये ऑयल को रोक नहीं पाता और ऊपर ऑयल आता है, और ऑयल जलने के बाद ये डस्ट बनता है, इंजन ऑयल कम होने लगता है, और आप बाइक चला रहे हैं और इंजन ऑयल पे ध्यान नहीं दिया, इंजन ऑयल सारा ख़त्म हो गया, यहाँ तक इंजन ऑयल नहीं पहुँचेगी, सिलेंडर बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो ये अल्मीनियम का होता है, सिलेंडर लोहे का होता है, और ये पार्ट इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद सिलेंडर से ये सीज कर जाता है, और ये पिस्टन कभी कभी जाम भी कर जाता है, जो कि किक भी जाम हो जाता है और बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और इसकी तो बाइक स्टार्ट होके चल भी रही थी। यहाँ पे देखिए, ये दो पतले रिंग जो देख रहे हैं, ये दोनों रिंग जाम है, और इसका सुराख भी बंद हो गया है, सुराख बंद हो गया, ये जो इंजन ऑयल चलता है इसके नीचे से ये ऑयल भी ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, इसका नया पिस्टन देना होगा इस बाइक में, सिलेंडर ब्लॉक को बोर करना होगा। इससे क्या होगा कि इंजन ऑयल को रोक देगा, इंजन ऑयल चाटना बंद हो जाएगा, धुआं भी नहीं मारेगा। हालांकि ये धुआं तो नहीं मार रहा, लेकिन इतना धुआं कम मार रहा है कि ये क्या होता है कि खड़ा इंजन में ये थोड़ा बहुत जला देता है, डायरेक्ट धुआं दिखाई नहीं देता है, तो ये ऑयल को जला दे रहा है, धुआं नहीं मार रहा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मुझे पिस्टन नया डालना होगा, सिलेंडर ब्लॉक बोर करना होगा, और इससे ये बाइक ठीक होगी, पिस्टन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ ही धुआं भी रुक जाएगी, इंजन ऑयल चाटना भी बंद हो जाएगा। तो आपको लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ कि जब भी पिस्टन की आवाज़ आप लोगों को पता चले कि कोई भी बाइक आपके गैरेज में आए, तो आपको हेड सिलेंडर खोलना चाहिए और उसका काम कर देना चाहिए। अगर ये काम नहीं करते हैं और ये बाइक चलाते रहते हैं तो फिर एक दिन ये जाम कर जाएगा, और इससे क्या होगा कि और भी नुकसान होगा, और भी ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। अभी तो मैं हाफ़ इंजन का काम कर रहा हूँ और कल आपको फुल इंजन का काम कराना पड़ जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।